श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज की कथा उन लोगों के लिए है जो श्मशान चले जाते हैं, जो मित्रों के साथ चैलेंज करके और कब्रिस्तान चले जाते हैं, वहाँ कील ठोक के आ जाते हैं। उस समय मैं बंगाल भ्रमण पे था। बंगाल में काफ़ी अच्छे तांत्रिक हैं, काफ़ी अच्छे अघोरी हैं, क्रिया योग है। तो घूम करके मैं इन सब विषयों में समझने की कोशिश कर रहा था। तो लंबे काल तक रहा था, कम्युनिस्ट बंगाली बहुत सारे होते हैं, तो वो आके मजाक करते थे मुझसे, क्या दादा बेताल मिला, पकड़े तो मैं विक्रम बनूंगा, ऐसे ऐसे मजाक करते रहते थे। लेकिन एक था कि सब साथ बैठते थे, हंसी मजाक होती थी, तो मुझे भी अंतर नहीं पड़ता था, उनको भी अंतर नहीं पड़ता था। मुझे उनके सिद्धांत पर विश्वास नहीं था, उनको मेरे सिद्धांत पर विश्वास नहीं था। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति आया जो एक बहुत ही अच्छे कॉरपोरेट में नौकरी करता था, और उसने बोला कि दादा एक विषय है समझ में नहीं आ रहा है, आप चल के एक बार देख लो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आध्यात्मिक व्यक्ति से एक घोर कम्युनिस्ट क्या जानना चाहता है। वो मुझे ले करके भारत के, अगर 20 रईसों में नाम ले तो उनमें से एक रईस है, उनके घर लेके चले गए। तो जब वो घर लेके गए तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई शत्रु बाधा होगी और ये चाहते हैं कि मैं बंधन या कीलन कुछ कर दूं। तो उस समय मैं और कम उम्र का था, 8-9 साल पुरानी कहानी है। तो जब उन लोगों ने मुझे देखा तो मैं तो अपने नॉर्मल कपड़े में था, तो उन्हें अविश्वास हुआ मुझे देख करके। उन्होंने पूछा, बंगाली समझता था मैं, कि यही है जो करेगा। बोला हाँ ये कर लेगा, क्या कर लेगा अभी तक मुझे भी नहीं पता है। तो बोला चलो चलो दिखाता हूँ। तो मुझे ये लेके गए और एक 7-8 साल की बच्ची थी बिस्तर पर, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मतलब वो देख के लग रहा था कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो मुझे बोला कि थोड़ा आप देख लो, इस पे प्रेत बाधा है क्या। तो मैंने बोला देखो छोटे बच्चे हैं आप लोग, इतना पढ़े लिखे हो, इतना आसान नहीं होता है कि किसी पे प्रेत बाधा आ जाए, तो इन सब चीज़ों में मत पड़ो। अगर लगता है कि बच्ची का तबीयत ख़राब है तो आप किसी डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ सुपरनेचुरल इवेंट हो रहा है। मैंने उनको बताया कि मैं तो अघोर हूँ, आध्यात्म मार्ग में हूँ बहुत इन सब चीज़ों पे, मैं ना दिमाग लगाता हूँ ना मेरी पकड़ है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन जो साथ बंधु गए थे उन्होंने बोला नहीं नहीं बाबा कर लेगा, उसे मुझसे ज़्यादा मुझ पर कॉन्फिडेंस था। फिर उन्होंने एक एक करके बताना शुरू हुआ कि कई बच्ची क्या क्या हरकतें करती हैं, और एक एक करके मैंने लगभग उनकी सारी बातों को खंडन कर दिया कि नहीं ये नेचुरल हो सकता है, ये इसके पीछे ये कारण होगा वो कारण होगा। लेकिन फिर उन्होंने जो बताया तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। देखो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, कि उसका आँख सफ़ेद हो जाना, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न हो सकता है। आवाज़ बदलना बहुत नॉर्मल चीज़ है, 3-4 लोगों को अकेले संभाल लेना ये भी नॉर्मल चीज़ है। लेकिन वो लड़की बिल्कुल ही बिस्तर पर 90 डिग्री में खड़े हो जा रही थी, ऐसा एक ही बार उसने किया था। और जैसे ही उसने किया ये फैमिली पूरी अलर्ट हो गई और इसने मुझे बुलाया।
तो मैं फिर एक बार गया, जो करना था वो सब देखा, तो मैंने बोला अभी के लिए तो ये किसी भी प्रेत से मुक्त है इस क्षण में, ठीक है, तो हमें इंतज़ार करना होगा कि फिर से अटैक हो। और ये बोल करके मैं वहाँ से चला आया, क्योंकि मैं बहुत तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैं बिना, जब तक मैं किसी समस्या को जानता नहीं हूँ तब तक हवाई फायरिंग करना मेरा आदत नहीं है, मैं तुरंत इलाज नहीं करता हूँ। रात में करीब 11 साढ़े 11 में उस व्यक्ति का फिर से फ़ोन आया कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप आ जाइए। तो जब गाड़ी भेजा, हम गए वहाँ पर, तो पूरा माहौल बदला हुआ था, कोई इधर पूजा कर रहा है, कोई इधर धूप जला रहा है, ठीक है, अंदर एक मौलाना भी बैठे हुए थे फॉर अ चेंज। थोड़ा सा इसको देख करके मैं खिंच गया, क्योंकि जिस भी केस में मौलाना की एंट्री होती है वो आज तक मैंने देखा वो केस बिगड़ा ही है। तो मैं पूछ भी लेता हूँ कि अगर ऐसा आप कुछ करवा रहे हो तो मैं आपका काम नहीं देखूँगा। तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गया, वो मौलाना अपने कुछ कुछ कर रहा था, वो अपने आयतें पढ़ रहा था, लेकिन असर नहीं हो रहा था, ये समझ में आ रहा था। वो बोल रहा था जो सामने था कि मैं इसको लेके जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मुझे लगा कि ये आजकल बच्चे जो हैं ये टीवी देख करके और ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। देखो, मैं विश्वास तब करता हूँ जब अविश्वास की पराकाष्ठा ख़त्म हो जाती है, जब मुझे लगता है कि नहीं, अब इसमें अविश्वास करना गलत होगा। और मैं चला गया बाहर, मैंने बोला इनका हो जाने दो तब मैं आता हूँ। फिर ऐसा पता चला कि मौलवी ने कान पकड़ा, उसके सामने माफ़ी मांगी, उसने बोला कि मैं इस बच्ची को पक्का लेके जाऊँगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। रात में 1 बजे से मैंने अपना कार्यक्रम शुरू किया, तो जो सबसे ज़ोरदार चीज़ें थीं वो सबसे पहले मैंने प्रयोग करके देखा, और उसको असर होता था या झूठ बोलता था समझ में नहीं आ रहा था, वो जो भी चीज़ थी या वो लड़की खुद थी, शुरुआत में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जैसे ही उसको मंत्र पढ़ के पानी मारूं वो गिर जाए, जैसे उसको रुद्राक्ष हटाऊं वो गिर जाए, बोलता था अब नहीं आओगे तुम, अगर अब जा रहे हो तो बाएं तरफ गिरो, तो वो गिर जाए। मैंने बोला अब थोड़ा सा हवन करने दो मुझे, इसका क्लियरेंस करने दो, और मैंने हवन सजाया उसके बिस्तर के बाएं साइड में, और जैसे ही हवन प्रज्वलित किया, वो लड़की जो आराम से सोई हुई थी वो दौड़ के रूम से भागी। जब वो रूम से भागी और जिस तरीके से भागी, तब मुझे लगा कि ये एक सीरियस पजेशन के केस में मैं अभी आया हुआ हूँ। तभी तक मुझे लग रहा था कि हो सकता है कुछ ऊपरी हवा हो, लेकिन उस समय मुझे ऐसा आभास हुआ कि नहीं, यहाँ पर मामला कुछ और है। वो लड़की जा करके एक दूसरे कमरे में बैठ गई, मतलब बिल्कुल ठाट से बैठ गई। तो लोगों ने बताया वो वहाँ जा करके बैठ गई है। मैंने बोला हवन तो मैंने जला लिया है, अब हवन मैं पूरा करके ही जाऊँगा, तुम लोग वहाँ पर उसको देखते रहो। और मैं हवन प्रज्वलित करता था, थोड़ा सा हवन करता था, हवन मध्यम हो जाता था, जबकि अगर मैं हवन करता हूँ किसी स्थान पर तो हवन पूरा उठता है। तो ये बार बार हो रहा था, तो फिर अपना जो साबर है उसका मैंने प्रयोग किया, फटकार मंत्र का, और उसके बाद जो हवन किया वो पूर्ण हुआ। जब यहाँ पर हवन पूर्ण हुआ तो वहाँ पर उसकी हेकड़ी, ऐसा लोगों का कहना था, कि थोड़ी घट गई, ठीक है। फिर मैं उठ करके वहाँ गया और उसका वही तमाशा फिर से चालू था, 3 साढ़े 3 बज रहे थे मुझे लगता है, और वो उठता, और उठता इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मर्द की आवाज़ में बात कर रहा था, वो उठता था, वो बोलता था,
तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है। मैं, कोई बात नहीं बेटा, जितना सीखा उसमें ही तुम्हें देख लूँगा मैं तो। और वो बिल्कुल अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मैं याद करता हूँ, वो छोटी सी बच्ची उठ के बैठ करके और बिल्कुल बोलती थी कि तुझे और सीखने की ज़रूरत है, जा सीख के आ, तू मुझे नहीं भगा पाएगा, इसको मैं लेके जाऊंगा। और बहुत तरह की चीज़ें हो रही थी उस समय, मैं बड़ा एक्सपेरिमेंटल था अपने तंत्र में, मैं आयतल कुर्सी भी लेके चलता था तो उसमें पानी लगा के, है ना, और उसके बाद उसके छींटे मारे, उसका तो उस पर बिल्कुल असर ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल थक गया था मैं। तो मैंने सोचा कि एक बार और हवन करते हैं, ठीक है, लेकिन हवन करने से पहले उसको कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और रुद्राक्ष की माला में मैंने जाप शुरू कर दिया था, वो अब दे नहीं सकता था, तो मैं उस समय हाथ में टाइगर स्टोन की माला पहनता था। अगर आपने मेरा पुराना कोई हवन का तस्वीर देखा होगा तो उसमें आप देखिएगा मैं टाइगर स्टोन की माला हमेशा पहनता था। उसमें नरसिंह मंत्र से मैंने उसको सिद्ध कर रखा था। वो जैसे ही मैंने खोल करके उसको स्पर्श कराया, एक तो वो बिस्तर पर लगा जैसे कि उसको किसी ने फेंक दिया हो, और उसके बाद वो माला टूट गई, पूरी बिखर गई। मैंने सारे जो मन के थे उसके चुनवाए, ठीक है, और उसके बाद मैं समझ गया कि ये अब किस मंत्र से कंट्रोल होने वाली शक्ति है। तो उसका वही घूम फिर करके इसको लेके जाऊंगा, बाकी जो बोलो सब करने के लिए तैयार हो, इसको लेके जाऊंगा, कौन हो क्या हो। तो पता चला कि ये बच्ची तो अमीर घराने की थी, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है, लेकिन ये लोग जहाँ खेलने जाते थे उसके बगल में कब्रिस्तान था, ठीक है, और ये बच्चे वहाँ हमेशा जाते थे खेलने के लिए। उसी क्रम में किसी खेल खेल में इन लोगों का, जैसे बच्चे करते हैं कि ये मेरा जगह, ये मेरा जगह, ये मेरा जगह, है ना, ये मेरा टापू, ये मेरा देश, ऐसा उसी में इस बच्ची ने बोल दिया ये मेरा कब्र है, ये मेरा कब्र नहीं मतलब ये मेरा स्थान है, ऐसा बोला, और वहाँ से ये जो भी उस स्थान पर बैठा हुआ था वो इसके साथ लग गया। उसी माले के मनके से फिर मैंने 9 मनके का एक माला बना के उस लड़की को बांधा और फिर वहाँ पर एक अल्प हवन किया। फिर जहाँ उस मंत्र का सिद्ध स्थान था वहाँ उस बच्ची को ले जाना पड़ा, और कुछ ऐसे तांत्रिक क्रियाएं थीं जो मैं नहीं करता हूँ, आज भी नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे तंत्र विशारद हैं जो वो क्रियाएं कर लेते हैं, जिसमें कि एक क्रिया होती है कि इनका बंधन करके इनको पास में रख लेना। वैसे एक हमारे मित्र थे तो उनको भी मैंने बुलाया मदद के लिए। सब कुछ तंत्र में आप सब तो नहीं कर सकते खुद से, आप एक भाग कर लेंगे, दूसरे के लिए आपको तो कोई और चाहिए ना, पूरा तो तंत्र विशारद होने के लिए 350 साल का उम्र लगेगा, है ना। तो उनको बुलाया, फिर इस आत्मा का बंदिश हुआ और तब वो बच्ची जो थी वो नॉर्मल हुई। ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूर है कि जब मानव की संख्या पृथ्वी पर बढ़ गई है तो इन लोगों ने, जो भी अनदेखी दुनिया है, इन्होंने मानव पे अटैक कम कर दिया है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि ये आज आपके बीच में नहीं है और ये आपको क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो जितना इज्जत आप इंसानों का करते हैं उतना ही इज्जत आपको इन इन अनदेखी शक्तियों का करना चाहिए, और जो ना समझ हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनको इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, साधना का बेसिक विधान सीखना है, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें जो साधना का शुरुआती आयाम है हम आपको सिखाते हैं, जो हमारे द्वारा लिखा हुआ लेख या फिर हमारे आने वाले कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट है www.aghortantrahasya.com। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, इसमें
ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें रुद्रनाथ @CM4 सर्च करेगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, इसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। भगवान काल भैरव आपको और आपके परिवार को सुरक्षा दे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।